हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गली गली घूमकर कोरोना के प्रति करेंगे जागरूक। सीएमएचओ ने कोरोना प्रचार वाहनों को दिखाए हरी झंडी। कोरोना संक्रमण की पहचान, बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष कोविड 19 जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया, जो कि प्रदेश भर में एक मिशन मोड पर चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार की IEC गतिविधियां संचालित कर आमजन को कोरोना के लक्षण, बचाव और रोकथाम आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निर्देशानुसार प्रचार वाहनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया, जिला प्रशासन के निर्देशन में जोधपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए विशेषकर जोधपुर शहर में प्रचार वाहन द्वारा आम जन को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता प्रचार वाहनों द्वारा आम जन को विशेषकर MMS का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एवं सैनिटाइजेशन करने के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना के लक्षण आदि पाए जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं आम जन से इस प्रचार वाहन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सहभागिता निभाकर सहयोग प्रदान करने की अपील की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, राजस्थान राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो जन जागरूकता अभियान की जो शुरुआत की गई थी, वो अपने आप में एक अनुकरणीय पहल थी, जो केवल और केवल मात्र राजस्थान राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के तहत जिस तरीके से अनलॉक 2, अनलॉक 3 की घोषणा हुई है और जिस तरीके से व्यवसायिक गतिविधियाँ भी हो रही हैं, तो इसमें रेगुलेटरी एक्शंस का और ये जागरूकता अभियान का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इसमें सहयोग है कि लोग इसमें जागरूक रहकर और जो भी SMS की जो गतिविधियाँ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, तो इन सब की पालना करते हुए कोविड से एक नहीं बचा जा सके। और इसी ही पहल के अंदर जो जन जागरूकता अभियान था, उसी के कंटिन्यूशन में पहले भी यहाँ से 2 जन जागरूकता अभियान के अंदर एक जागरूकता रथ रवाना किया गया था, जिसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया था। उसके बाद में निगम क्षेत्र से भी इसके बारे में रथ रवाना किए गए और आज वापस स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में भी 2 टैक्सीज रवाना की गई थी, इसमें रथ थे। आज हम 3 रथों को इसके अंदर जो रवाना कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्र के अंदर हर गली मोहल्ला और इसको कवर करेंगे और लोगों को एक जागरूकता की तरह इसके अंदर एक संदेश प्रेषित करने का कार्य करेंगे, ताकि लोग इन सब चीज़ों को अपना कर और कोरोना से बच सके। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।